बुरहानपुर के डाकवाड़ी क्षेत्र में शराब के नशे में देर रात दो युवकों में विवाद हुआ, जिसमें एक युवक नीलेश हीरे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चाकू उसके सीने में लगा। बताया जा रहा है, एक होटल में सीढ़ी से चढ़ने उतरने की बात पर नीलेश हीरे का दो युवकों से विवाद गहरा गया। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था। शराब पीने के दौरान ही उनके बीच कहासुनी हुई थी। रात करीब 9 बजे नीलेश का हिमांशु के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद हिमांशु ने अपनी जेब से चाकू निकालकर नीलेश को मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने देर रात ही आरोपी को राउंड अप कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी, प्रधान आरक्षक नईम खान, संदीप कैथवास मामले की विवेचना कर रहे हैं। सोमवार सुबह मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम होने के बाद सब परिजन को सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि नीलेश कैंटीन में काम करता था, उसके 3 बच्चे हैं। रात में वह बस स्टैंड से घर लौट रहा था, तब युवकों से उसका विवाद हुआ। कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने बताया, रात 9 बजे विवाद हुआ। हिमांशु पिता दिलीप ने चाकू से वार किया। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवेचना जारी है। तो करीब 9 बजे की बात है, प्रभु पैलेस के सामने एक होटल है, अपना राज होटल, वहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने की बात को लेकर नीलेश हीरे करके है, डाकवाड़ी बुरहानपुर का रहने वाला है, उसके साथ में हिमांशु पिता दिलीप राजपूत निवासी गंगानगर ने चाकू से उस पर वार किए, और जिससे उसको वहाँ से लोगों ने हॉस्पिटल लाए, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया है और अपराध रजिस्टर केस दर्ज कर लिया है और विवेचना चल रही है। एक आरोपी है अभी।